जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है। किया भारत में केवल सोनेट, सेल्टोस, कैर्निवल और कैरेंज जैसी पेट्रोल डीजल कारें ही बेचती हैं। हालांकि किया ग्लोबल मार्केट में पहले ही 6 इलेक्ट्रिक कारें उतार चुकी हैं। किया EV6 को इस साल हाफ में किसी भी समय लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च होने पर यह टाटा नेक्सॉन, MG25 और हुंडई जैसी इलेक्ट्रिक कारों को टक्कर देगी जो इस साल के अंत में भारत में डेब्यू करेंगी। ये EV6 इलेक्ट्रिक अभी यूरोपीय बाजार में ही उपलब्ध है। इस कार में 77.4 किलोवाट की पावरफुल बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जो 320 BHP की पावर और 605 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करती है। किया EV6 एक बार चार्ज करने पर 425 किलोमीटर तक चल सकती है। किया EV6 अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सिस्टम की मदद से कार को केवल 18 मिनट में 10-80% तक चार्ज किया जा सकता है। ग्लोबल मार्केट में तो इसे 3 वेरिएंट EV6, EV6 GT लाइन और EV6 GT में बेचा जाता है। इन कारों में कई ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन मिलती है जिसमें 510 किलोमीटर से अधिक की रेंज के लिए 2 बैटरी वेरिएंट शामिल हैं। टॉप वेरिएंट GT को केवल ज़्यादा शक्तिशाली बैटरी पैक के साथ पेश किया जाता है। EV6 टू व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन में आती है। किया EV6 की फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 12.3 इंच का डुअल पैनोरामिक कनेक्टिविटी वाला डिस्प्ले, किया कनेक्टर, वायरलेस फ़ोन चार्जर, वाईफाई हॉटस्पॉट, स्मार्ट की, स्टार स्टॉप पुश बटन जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपको हाई ड्राइविंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट, पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं। और भारत में इसकी कीमत अलग अलग वेरिएंट में 30 लाख से 60 लाख तक हो सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।